हेलो दोस्तों, मैं हूं अयाज। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए चटपटे मसाला आलू की रेसिपी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून जीरा और 2 हरी मिर्ची हैं मीडियम साइज़ की जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको हम 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, करीब करीब आधा किलो आलू हैं ये, और मैंने इसको बड़ा बड़ा शेप में काट लिया है। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम इसमें बहुत ही कम मसाले यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इसके अलावा हम मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे इसमें। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं दोस्तों। मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर करीब करीब 20 मिनट तक पकने देंगे, जब तक हमारे आलू अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब इसको एक बार खोल के देख लेते हैं। तो 20 मिनट बाद कुछ इस तरह से हमारे आलू बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, उसके बाद एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट तक और ढक के पकने दें। तो दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे चटपटे मसाला आलू बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे और सर्व करेंगे। तो दोस्तों चटपटे आलू बनके तैयार हो चुके हैं हमारे, और इसको पूड़ी परांठे के साथ आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसी तरह से प्यारी प्यारी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।